नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आज हम अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में जानेंगे कि जो बाइडेन कौन थे और उनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा। आइए जानते हैं जो बाइडेन के बारे में। जो बाइडेन यानी जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर का जन्म साल 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रेटन में हुआ था। वह अपने बचपन में ही डेलवेयर चले गए थे। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए और सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बने। कुछ ही हफ्तों के बाद बाइडेन के परिवार में एक त्रासदी हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और उनकी बेटी नौमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और व्यू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में पहले भी कई बार उतर चुके हैं। बाइडेन डेलवेयर से 6 बार सेनेटर भी रह चुके हैं। बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में 3री बार उतरे हैं। उनकी पहली कोशिश 1986 के चुनाव में रही, हालांकि तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश 2008 के चुनाव के लिए की थी। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वह ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते दिखे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो बाइडेन के कई बार विवादों के घेरे में भी रहे हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। आइए जानते हैं उनके विवादों के बारे में। बाइडेन पर ब्रिटिश लेबर पार्टी के नील किन्नॉक के भाषण की साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख चोरी किया था। साल 2007 में बाइडेन ने दावा किया था कि उन्हें इराक के ग्रीन जोन में गोली लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था वह उस जगह के पास थे जहां गोली चली थी। बाइडेन के सीनेट ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने वॉशिंगटन DC की पुलिस के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने इस शिकायत में आरोप लगाए थे कि बाइडेन ने 1993 में उसका यौन उत्पीड़न किया था। अगर भारत और जोई बाइडेन के रिश्तों की बात करी जाए तो अपने भाषणों में कई बार भारत का साथ देने की बात कही है और भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने के लिए बोलते रहते हैं। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय अमेरिका समुदाय को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। बाइडेन ने कहा था, मैं 15 साल पहले भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को मंजूरी देने की कोशिश की अगुवाई कर रहा था। मैंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो भारत अपने क्षेत्र और अपनी सीमाओं पर जिन खतरों का सामना कर रहा है वह उनसे निपटने में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने पर काम करेंगे। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट।